सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज क्या है इस वीडियो में। एक नई नई ताज़ा ताज़ा जब वीडियो होती है ना और अपलोड होती है, तो सबसे पहले यार सामने वाला बंदा देखता है यार ये वीडियो किस पर्पज़ पर बनाई गई है, और वो पर्पज़ दिखाई दे जाए ना उसको और वो उसके दिमाग में बैठे कि हाँ यार वाकई में मेरे काम की चीज़ है, तो वो देखता है आगे। तो दोस्तों बता देता हूँ, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो ये हॉर्न तो आपको लगाने का बड़ा मन करेगा, क्योंकि हॉर्न ही ऐसे हैं। मैं इसका रिव्यू नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थे तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस हॉर्न को आपको दिखाता हूँ, मैं अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, और एक चीज़ और बता देता हूँ, आज की डेट में जितनी भी बाइकें हैं सबको हॉर्न सबसे प्यारा लगता है, अच्छा होना चाहिए। तो ये जो हॉर्न मैं आपको दिखाया है मैंने, ये किस किस हॉर्न गाड़ी में लग जाएगा, किस किस गाड़ी में लग जाएगा वो चीज़ बताऊँगा। प्लस जितने भी गाड़ियाँ मतलब चलाते हैं लोग, वो भी इसको घर में बैठ के आराम से लगा ले सकते हैं, इस तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और जो बैरिंग के बारे में बता रहा था, हर एक बाइक के बैरिंग के बारे में जो मैं बता रहा था, उस बैरिंग की जो फोटो होती है वो आप खींच लेना इस पूरी वीडियो के अंदर, कहीं ना कहीं मैं उस फोटो को दूंगा। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो ही वो फोटो दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी, ठीक है। बैरिंग की पूरी फुल डिटेल उसमें दे रखी है, कौन सी बाइक में कौन से नंबर का बैरिंग लगेगा, ठीक है। दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप स्किप करोगे तो वो चीज़ छोड़ दोगे, फिर नीचे कमेंट मत पूछना कि यार ये बैरिंग बताना था भूल गए, ये है वो है, ठीक है ना। वीडियो पूरी देखना और फटाफट से वीडियो के अंदर हॉर्न का दिखाते हैं आपको, और हॉर्न के जब आप खरीदते हो तो हॉर्न में क्या कैसा आ रहा है और क्या कैसा किस तरीके से फिट होता है, ठीक है, फटाफट से बताते हैं, फटाफट चलते हैं। ये हमारे हॉर्न है, यूएनओ मिंडा कंपनी के हॉर्न है, हालांकि मिंडा कंपनी जो है जेन्युइन कंपनी है। जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं शोरूम से, नहीं चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, तो उसके अंदर इस कंपनी के मिंडा के हॉर्न लग के आते हैं या फिर हेला कंपनी के लग के आते हैं, हेला। फिलहाल हम इसका दिखाएंगे, ठीक है। इसकी प्राइस यहाँ पे नहीं दी गई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी प्राइस बता दूंगा, और अमेज़ॉन पर जो ये सेल हो रहे हैं इसके अमेज़ॉन का लिंक दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें दो हॉर्न आते हैं, ठीक है ना, फटाफट से और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या निकलता है। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले तो डब्बे के अंदर देखते हैं इसकी वायरिंग निकली है, ठीक है, हॉर्न की वायरिंग है, डबल हॉर्न वायरिंग है, एक हॉर्न इसमें लगेगा, एक हॉर्न इसमें लगेगा, और दूसरा ये आपके रिले में लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप देख रहे हो प्लास्टिक की ऊपर की बॉडी प्लास्टिक की है, मिंडा ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, मिंडा लिख रखा है मेड इन इंडिया, ये इंडिया में जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी, अगर आप परचेस करोगे तो वाकई में आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, एकदम फिनिशिंग एकदम प्यारी सी है इसकी। यहाँ पर इसका ग्रू दे रखा है हल्का सा, और यहाँ पर एक कैप है इसके नीचे, आई थिंक इसके नीचे जो है पेच होगा एक, जैसे हॉर्न की सेटिंग करते हैं, बट वो आपको नहीं करनी, मैकेनिक को करनी है, और वो जब करनी है जब इसके अंदर दिक्कत आती है हॉर्न के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर 12 वोल्ट की जो क्लिप होती है जो हमारे हॉर्न से अटैच होंगी बैटरी से, वो दे रखी हैं, ग्राउंड एंड मैन वायर के क्लिप, और ये हमारा जो है इसकी पत्ती दे रखी है, और ये 10 नंबर का इसका बोल्ट दे रखा है, ठीक है, लूज है, जिस तरीके से आपको सेट करना है उस तरीके से आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं वायरिंग की, ये हमारी वायरिंग है, इसको फिट कैसे करोगे आप इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक रिले, ये ले लिया है हमने रिले, ये मिंडा कंपनी का रिले है, इसी कंपनी का रिले है जिस कंपनी के हमारे हॉर्न है उसी कंपनी का रिले है। ये जो रिले है ये वाटर प्रूफ होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसके अंदर कनेक्शन सिस्टम दे रखा है, हालांकि मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से इसमें कनेक्शन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है चार क्लिप दे रखी हैं, अब जो दो क्लिप हैं ये वाली, ये हमारी जो आपने देखा होगा बाइक के अंदर एक हॉर्न अलग से फिट होकर आता है लग के, तो उसकी जो दो वायर निकली होती हैं वो दो वायर इसके अंदर लगेंगी, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है दोस्तों। कोई भी कहीं से, जैसे मान लो आपकी जो हॉर्न की वायर है जो अलग से आती है उसके अंदर लग के अलग से, वो हमारी लग जाएंगी यहाँ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो आपकी गाड़ी की हॉर्न की वायर है, जो हमारी गाड़ी की हॉर्न की वायर होती है ये हमारी ऐसे लग गई, ठीक है, जो गाड़ी की वायर होती है हॉर्न की वो ऐसे लग गई, ठीक है दोस्तों। अब ये बची दो क्लिप, अब दो क्लिप में से जो बीच वाली क्लिप देख रहे हो ये कोने वाली, ये वाली, ये बैटरी का जो करंट होता है हमारा डीसी करंट, उससे एक वायर निकल के आएगी और वो इस तरीके से लग जाएगी दोस्तों। मैं तो बस दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये मान लो बैटरी की डीसी करंट की वायर है और ये हमारी इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसमें क्या तीनों कंप्लीट हो गए, अब इसमें क्या होगा, ये दो वायर तो हमारी हॉर्न की हो गई, जो गाड़ी के अंदर हॉर्न लग के आता है उसकी हॉर्न की वायर हटानी है और वो दो वायर इसके अंदर हमें फिट कर देनी है, ठीक है। दूसरी बैटरी के पास से एक वायर लेनी है, देखो अगर आप बैटरी के पास से लेना चाहते हो तो बैटरी के पास से ले सकते हो, अगर आप हैंडल लॉक की वायर से लेना चाहते हो तो हैंडल लॉक की वायर से ले सकते हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ किस तरीके से आप लोगे, मान लो आपके पास हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्रो गाड़ी है, ठीक है, न्यू सेल्फ स्टार्ट, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, हैंडल के पास से लेना है आपको, तो हैंडल के पास दो वायर होती है, एक रेड कलर की होती है और एक रेड एंड ब्लैक होती है, ठीक है। तो आपको रेड एंड ब्लैक जो वायर होती है उसको कट करके यहाँ से एक वायर देनी है, वहाँ से एक वायर निकालनी है उसके जॉइंट करके और यहाँ दे देनी है, ठीक है। चाबी जब ऑन करो तो डीसी करंट इस रिले के अंदर आ जाए, ठीक है।
ये क्लियर हो गया आपका। अब आया ये वाला हमारा, अब ये वाला कैसे लगाओगे दोस्तों? कहीं आप सोच रहे हो इसमें अर्थ लगेगा ग्राउंड लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना इसमें अर्थ लगेगा ना ही ग्राउंड लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ हॉर्न के पास से। तो ये हमारा हो गया क्लियर, अब मैं आपको हॉर्न के पास से दिखाता हूँ तो इसमें कौन सी वायर लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हॉर्न के पास फटाफट। अब हमने लिया हॉर्न, तो हम ये जो वायरिंग हमें हॉर्न के साथ मिली है ये हमने इस तरीके से इसको फिट कर दिया यहाँ पर, और इसको इस तरीके से फिट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब दो वायर बची, तो यही सेम हमने तरीका यहाँ अपनाया, हमने इसको यहाँ लगा दिया और इसको एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये दो हॉर्न हमारे कंप्लीट हो गए, इस वायर में लग गए। अब यहाँ से आई दो वायर, इसमें से निकल गया अलग से, इसकी दो वायर निकल के आ गया अलग से। अब ये जो दो वायर आप देख रहे हो, इसकी जो एक वायर है वो पूरी बाइक के अंदर जो चेजिस अटैच होती है जिससे भी उसमें ग्राउंड चलता है, यानी कि अर्थ, तो इसको आपको क्या करना है, ये ग्राउंड से टच करनी है अर्थ की वायर। ये अर्थ की वायर आप देखो, आप इसे अर्थ दे दो या इसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसे दे दिया तो ये आपको मैन में देना पड़ेगा, अगर आपने इसे दे दिया तो ये आपको मैन में देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये इसको ग्राउंड दे दिया। ठीक है, अब हमारी लास्ट वायर ये वाली बची। अब हमें क्या करना है, इसको रिले के अंदर देना है जहाँ पर हमारी छूट गई थी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये हमारी ये वाली वायर रह गई थी, ये रह गई थी हमारी, तो हमें इसको इसमें अटैच करना है। यहाँ से कट करेंगे इसको, और यहाँ से कट करने के बाद एक ऐसी क्लिप आती है, इस टाइप की क्लिप आती है एक, वो क्लिप आप 5 रुपये की ले सकते हो, कहीं मिल जाएगी 2 रुपये की। तो वो इसको कट करके लगानी है और यहाँ पे इसको फिट करना है, फटाफट से आपके हॉर्न जो है काम कर जाएंगे। अब बात करते हैं किस किस में हॉर्न ये फिट हो सकते हैं। जितनी भी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी होती हैं, जितनी भी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हैं, उन सब में हॉर्न इसके लग सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर सेल्फ लगा हुआ है, बैटरी सेल्फ स्टार्ट है, तो आप इस हॉर्न को फर्स्ट क्लास तरीके से चला सकते हो। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये रिले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो रिले होता है ये बैटरी का प्रॉपर करंट इसमें जाता है और ये हॉर्न को उतना करंट देता है जितना हॉर्न को चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करते समय बैटरी के अंदर करंट आता 14, और जब नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट नहीं करते, नॉर्मल रखते हैं, तो बैटरी के अंदर करंट आता 12। तो नॉर्मल जब गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो गाड़ी के अंदर करंट जो आएगा 14, तो ये क्या करेगा, 2 वोल्ट अपने पास रखेगा, बाकी 12 वोल्ट हॉर्न को दे देगा। ठीक है, और बैटरी को भी अपना मेंटेन रखेगा, चार्ज पे रखेगा, डाउन नहीं होने देगा, ये इसका होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गई हमारी साइड में। तो अब हम बात करते हैं इसकी आवाज़ कैसी है, तो मैं इसकी अब आवाज़ आपको सुनाता हूँ। ये हमने बटन दबाया, ये देखो, ये काफ़ी तेज़ आवाज़ है, रात हो गई है, मैं ज़्यादा नहीं बजा सकता, मैं 2-3 बार बजा रहा हूँ फिर भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आवाज़ आपको लग रही होगी ज़बरदस्त, बाकी में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है इसकी। दोस्तों देखो, हाथों में चोट लगी है, देखो काफ़ी तेज़ लगी हुई है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक अगर लाइक नहीं करा तो फिर फ़ायदा क्या है यार, इतनी सारी मेहनत करने का, है ना? तो एक लाइक तो कर देना यार, एक लाइक कर दोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ यार भाई, लाइक हो गया, एक अच्छा लगा है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैरिंग का वो दिखाने वाला था फोटो, तो मैं आपको बैरिंग की पूरी फोटो दिखा देता हूँ, जितनी भी हमारी बैरिंग होती हैं। ठीक है दोस्तों, वो बैरिंग के आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, तो उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे मैसेज में आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा या फिर पोस्ट कर दूंगा PDF फाइल। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से इसको वो चीज़। तो भाई दोस्तों देखो, ये जो है हमारी जितनी भी हमारी बाइकें होती हैं बजाज की सारी बाइकें इसमें दे रखी हैं। ये देखो, KB4S, KB100, Caliber 15, Pulsar 150, Pulsar 180, Pulsar 150, Pulsar 180 DTSI, Pulsar 200 BCC, CT100, Platina XCD, Discover Avenger, Eliminator जो बंद हो गई है, ये जितने भी फ्रंट व्हील, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारे जितने भी बैरिंग हैं ये फ्रंट व्हील के हैं, ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर गाड़ियाँ लिखी हुई हैं, ये सारी की गाड़ियों के आगे के व्हील के बैरिंग यहाँ लगेंगे, ये रहे। ठीक है दोस्तों, और ये रियर व्हील के हैं, देखो अगर आपकी गाड़ी में ड्रम है जो मतलब एलॉय व्हील है उसके अंदर ये सारे बैरिंग लगेंगे, और उसी के अंदर पॉकेट बैरिंग होता है वो ये सारे लगेंगे। ठीक है, इन गाड़ियों में मैं समझा रहा हूँ आपको, और जो केम साफ्ट होती है उसके अंदर जब इंजन खोलते हैं केम साफ्ट लगती है, तो ये सारे बैरिंग लगेंगे। ठीक है, और क्रैंक अंदर होती है, क्रैंक इंजन में क्रैंक होती है, उसके क्रैंक के अंदर ये सारे बैरिंग लगेंगे, और क्लच के अंदर जो क्लच होल्डर प्लेट का बैरिंग होता है वो ये सारे लगेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हैं ये, और आप इसके फोटो खींच लो और समझ लो ये हीरो का है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये आप इसके फोटो भी खींच सकते हो। ये बड़ी मेहनत लगी यार इसे बताने में, 1 घंटा लग गया था बनाने में कम से कम, और 2 दिन से स्टडी चल रही थी इसके ऊपर यार, क्या बताऊँ। तो ये है हमारा, इसकी फ़ोटो खींच लेना आप, तो उससे क्या होगा आपको
आसानी होगी समझने में। ए टू जेड जितनी भी गाड़ियां हैं आप देख रहे हो, ये मैंने फोटोकॉपी निकाली है अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में पीडीएफ फाइल बनाऊंगा, बनाई है मैंने अभी, बट मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा नहीं क्योंकि मेरे को आपको पहले कमेंट चाहिए कि भाई अगर आपको चाहिए भी या फिर ऐसे बस। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, बाकी से फोटो खींच लेना। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो को ही एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।